बंद मत करिए। तब तक एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, ऑनलाइन प्रश्न आया है कि खाली पेट केवल फल खाते हैं तो गैस होता है, और आप तो कहते 12 बजे तक सिर्फ फल खाओ। खाली पेट जब भी आप फल खाते हैं तो गैस अगर होता है तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पचने में करीब 18 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है। आज रात को, जैसे रात को दूध पी के कई लोग सोते हैं, वो अगले दिन दोपहर तक वो पचेगा, तो सुबह लिटरली उनका पेट खाली नहीं होता, पिछले दिन का दूध है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, दूध लीजिए और दूध में आप मौसम्बी का जूस मिला दीजिए, जैसे ही आप पियेंगे एकदम से उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी तासीर अलग अलग है, राइट। तभी मैंने बोला कि ये जब डाइट आप करेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट को हटा देंगे, एनिमल फूड को हटा देंगे, पैक फूड को हटा देंगे, अब सुबह का आपका पेट एक्चुअली खाली होगा। खाली पेट में अगर सबसे अच्छा कुछ है तो वो फल है। हाँ, मैं रोज लेता हूँ, मुझे नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन प्रश्न था इसलिए मैंने पूछ लिया है। हाँ ठीक है, आप खड़े होकर पूछ लीजिए। और ऐसे में आप क्या करते हैं, हार्ट अटैक किसी को मान लो यहीं पे कोई है, यहाँ हार्ट अटैक आ जाए इसी वक्त, क्या करेंगे आप? एक ही चीज करेंगे ना, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, यही तो करेंगे। एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस लिटा दो, लिटा दो, लिटा दो बंदे को, यही करेंगे और क्या कर लेंगे। अच्छा, एम्बुलेंस बुला के लेके कहाँ जाना है उसको? हॉस्पिटल में, वहां कोई भगवान बैठा हुआ है। वो जो करने वाले, क्या उससे इंसान को बचाया जा सकता है? क्या कोई बचा है? अब करना क्या है वो आप समझिए। अगली बार जब भी किसी को हार्ट अटैक आपके आंखों के सामने आता है, सिम्टम क्या है कि वो गिरेगा या वो ऐसे बोलेगा, बड़ा दर्द, हार्ट अटैक होता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ये भी हो रहा है, राइट। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कोई नई बात नहीं है, होता है लेकिन इतने तादाद पे नहीं होता, ये पक्का है, जिस तादाद पे अभी हो रहा है, राइट। तो करना क्या है, हमें उस पर आना है। जैसे ही आपको पता चले, वो या तो आप खुद हैं या कोई और है, जैसे ही पता चला कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, या ब्रेन स्ट्रोक में क्या है कि बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना वो पैरालाइज हो गया, तो ब्रेन स्ट्रोक है, राइट। अचानक उसके पैर हाथ काम करने बंद कर दिया, वो बैठ गया या वो गिर गया, ऐसे होगा। हार्ट अटैक में दर्द होगा तो वो बोलेगा दर्द हो रहा, तो यही सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में स्टेप वन, हार्ट सेफ पॉस्चर, एक ऐसा पॉस्चर जिसमें डैमेज कम से कम हो, राइट। वो पॉस्चर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में एक बात बता दूं साथ साथ, जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें कार्डियक अरेस्ट के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ कॉमनली हमारे हॉस्पिटल्स में नर्सेस को, इवन जो जो अटेंडेंट होते हैं उन सबको, जो लेके आते हैं सबको, ये ट्रेनिंग हम रोज़ देते हैं, एवरी डे, हर दिन बार बार याद दिलाते हैं। तो जैसे ही ऐसे सिम्टम आप कहीं भी, रेलवे स्टेशन में हो, कहीं पर भी हो, सड़क पर हो, जैसे आपने पेशेंट देखा, आपको पेशेंट को हार्ट सेफ पोस्चर में बिठाना है। कैसे? नीचे बिठाना है। मैं चेयर पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देख पाएंगे आप? हाँ देख पाएंगे। तो ये नीचे बिठाना है और पीछे में दिखाऊं? पीछे तो दीवार होनी चाहिए, देखिएगा। हाँ पीछे दीवार है। हाँ। और नीचे बैठना है और हार्ट से पोस्चर क्या है, दीवार पे ऐसे टेक लगा के और दोनों पैर ऐसे, वही से दिखाऊं? दिस इज हार्ट शेप पोस्चर, राइट। हार्ट सेफ पोस्चर, इसमें उसके हार्ट के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम से कम होती है। अमंग ऑल द पोस्चर, उसको लिटाना है क्या, राइट, उसको खड़े रखना है क्या, बिठाना है क्या, ये सेफ पोस्चर है। और अगर वो बेहोश हो भी जाता तो यहाँ गिरेगा तो ऑलरेडी जमीन में, नुकसान नहीं होगा। चेयर पे, चेयर से गिरेगा तो नुकसान होगा, राइट, इसलिए जमीन में बिठाना है। पीछे दीवार है, कोशिश करना है पीछे दीवार है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, उसी वक्त अदरक, इतना बड़ा अदरक, अदरक लेना है। मैं तो बोलता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आएंगे ना, कोने कोने पे हर जगह कमरे में अदरक रखा हुआ है। अदरक अदरक नहीं है, भगवान का बनाया वो मेडिसिन है, राइट। अदरक को अदरक मत समझिए, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, उसको कोहिनूर समझिए। इतना बड़ा जितना मेरे हाथ में देख रहे हैं, अदरक लिया और बोला उसको चबाते रहो, चबाते रहो, और चबा रहा है आंखों से जब तक आंसू ना आ जाए। 10 मिनट लगेंगे, आंसू जैसे से आने लगेंगे सिम्टम जाने लगेंगे, जैसे से आंसू आने लगेंगे उसका हाथ पैर, क्या लिंक है उसका? हाँ, लिंक मैं बता देता हूँ। आंसू क्यों आए, क्योंकि जब अदरक हम चबाएंगे ना, आप आज घर जाके चबा के देखिए, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन चबाइए। आंसू जब आते हैं तो वो लिंक ये है कि अदरक जब चबाते हैं तो बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, एक खास तरह का केमिकल है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे खुलने लगते हैं। ब्लड वेसल जब खुलेगा तो ब्लड का फ्लो एकदम आएगा। ब्लड का फ्लो आएगा तो हम ठीक हो गए, यही तो चाहिए हमें।
हमें ब्लड का फ्लो ही तो ठीक करना है, वो जो बाईपास सर्जरी बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो क्या है? वो यही थ्योरी पे तो काम करते हैं कि भाई ब्लड का फ्लो बनाना है। अरे ब्लड का फ्लो अभी बना दो ना, राइट, इसी वक्त बना दो ना, वेरी सिंपल, राइट। तो इसका आपने इसका सक्सेस रेशियो कितना है? 100% हमारे साथ तो जब भी होता है, जब भी होता है हमारे हॉस्पिटल में, बड़ा कॉमन है, जब भी होता है हम तो यही करते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा, भगवान की दया है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि जब वो ठीक ना हुआ हो या चल पैरालाइज हो गया, उसी वक्त दे दिया, ठीक हो जाता है वो। और मान लो कोई बेहोश हो गया, अब चबाई का कैसे, बेहोश हो इंसान चबा तो सकता नहीं है, बेहोश ही हो गया आपके अदरक लाने से पहले, तो अगला उपाय मिर्च, हरी मिर्च ले लिया, लाल मिर्च ले लिया, उसको कूटा अच्छी तरह से और उसको लेके जीभ के नीचे डाला, और जीभ के नीचे डाला तो चांसेस हैं अगर वो हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हुआ है तो एकदम से वो कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, कॉन्शियसनेस में आते ही बोलो आप अदरक चबाओ। तो कब तक चबाना है? जब तक आंसू ना आ जाए तब तक चबाना है। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट से 30 मिनट का ब्रैकेट लग सकता है, इतनी देर तक आपको। लेकिन चबाने की स्थिति में नहीं है तो वो वही जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को कूट के जीभ के अंदर नीचे डालना है। नॉर्मली हमने देखा है कि चबा लेते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है, चबाता रहता, मतलब मुंह का जो मूवमेंट है वो हो ही जाता है, मुंह का मूवमेंट हो ही जाता है, वो चबाना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर हरी मिर्च का पीस के जीभ के नीचे डालना, ये दो चीज हम करते हैं। जो हमारे नेटवर्क में हमारे खुद के पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल कभी आए थे, अब घर पे है वो, उनको हम जाने से पहले ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सड़क पे हो जाए तो ये दोनों चीजें नहीं है तो। अब आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ना, ये दोनों चीजें रखी ना, ये कोहिनूर है, जेब में मोबाइल रखते हैं, जेब में पैसे रखते हैं, लेडीज लोग अपने पर्स में लिपस्टिक रखते हैं, एक अदरक भी रख लीजिए ना, है ना, लिपस्टिक आपको बचाए ना बचाए, अदरक किसी की जान तो बचाई लगी थोड़ी बहुत, राइट।